गाइज, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे डाइट करते हैं और क्या क्या खाना चाहिए डाइट में। एंड मैं सब कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी कि आज मैं कैसे डाइट फॉलो करती हूँ अपना रूटीन। Hey guys, what's up? Welcome and welcome back to my YouTube channel with another video. So, अभी मैं रेडी होके जा रही हूँ मोमो खाने। वाओ, मोमो में, oh my god, इसको देखो कैसे दिख रहा है। मैं तो तो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ मोमो खाने वाओ मोमो में। तो मैं फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ वाओ मोमो, तो चलो देखते हैं इससे एक्सपीरियंस कैसा रहता है एंड वगैरह वगैरह, चलो देखते। तो गाइज, हम लोग आ गए हैं वाओ मोमो में मोमो खाने। एंड आप लोगों को मैं बता रही थी ना कि मैं डाइट कर रही हूँ। हाँ, मैं ऐसे ही डाइट कर रही हूँ। मैं डाइट करते करते बीच में मोमो खाने चले गए। यार, मेरे से घंटा डाइट होगा भाई, मेरी डाइट कोई मत फॉलो करो और मैं किसी को बताऊँगी भी नहीं। सो गाइज, जो भी हो, यहाँ पे हमने मोमोज ऑर्डर किया था और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे हम दोनों मोमोज के लिए। तो हमारा मोमोज आएगा। तो फाइनली गाइज, हमारा मोमो आ गया है। ये जो प्लेट देख रहे हो, दो बर्गर है, दो पैन फ्राइड मोमोज है एंड दो पेप्सी है। तो इसका ये जो एक कॉम्बो है, तो इसका प्राइस है 299 एंड ये वाला मोमो था 99 स्टीम दार्जिलिंग मोमो। एंड यहाँ पे हमने खाना स्टार्ट कर दिया था, कर दी थी हमने खाना। और मैंने अपना फ़ोन को स्टैंड पे लगा दिया था कि थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर लूँ मेरी वीडियो। सो यहाँ पे नमीना मेरे को बर्गर खिला रही थी एंड मैं सोच रही थी कि मैं डाइट पी हूँ और मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं कभी पतली नहीं हो पाऊँगी यार, ऐसे डाइट क्या कौन करता है यार, मोमो खा के बर्गर खा के डाइट, यार मुझे स्लिम होना है। तो यही मैं बोल रही थी। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. एंड गाइस, मैं बताना चाहूँगी कि मैं पहली बार वाओ मोमो में आई थी। इसके पहले ना मैं स्विगी से ऑर्डर करके खाया था, ना ही मैंने कभी वाओ मोमो में आके खाई थी। बिकॉज जब मैं स्विगी से ऑर्डर करती थी ना, तो इसका GST वगैरह कुछ ज़्यादा ही दिखाता था। मुझे इसका ना पता नहीं था कि स्विगी से ज़्यादा लेता है शायद वाओ मोमो का, बट नहीं, मुझे यहाँ के पता चला कि यहाँ पे खाने का कुछ GST वगैरह लगता है। सो मैं यहाँ पे बर्गर खा रही थी एंड 299 का प्लेट जो कि था, तो उस हिसाब से अच्छा ही था। और ये मैंने अपना लास्ट मोमो बाइट किया एंड यही मेरा लास्ट मोमो था। एंड बहुत ज़्यादा जूसी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा यम्मी था। लेकिन ज़्यादा थोड़ा बहुत स्पाइसी था, लेकिन जो लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो उन लोगों के लिए ठीक है। एंड मुझे थोड़ा स्पाइसी लगा था, तो मैंने थोड़ा सा पेप्सी पी लिया एंड मेरा खाना ख़त्म। और अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ एंड वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। एंड आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ 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 एक सब्सक्राइब कर देना। टाटा वाओ मोमो। कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने कुछ एक हफ्ते से मैं खा रही थी डाइट के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा वेट लूज़ करना है अपना। तो मैं यही खा रही थी एंड बीच में से यार मैं मोमो खाने चली गई। तो ये रहा मेरा कुछ एक हफ्ते का खाने का रूटीन एंड आगे भी मैं यही खाने का सोच रही हूँ। होप सो मैं अपना डाइट कंट्रोल कर पाऊँ। सो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा।